गरुड़ एक्सप्रेस एन इंटरनेशनल कोरियर सर्विस। भारत में फ्लाइट में सफर के दौरान इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है। बहुत जल्द फ्लाइट में ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे अगस्त के अंत तक अनुमति दे सकती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के संयुक्त डीजी ललित गुप्ता ने बताया कि वो दूर संचार विभाग से इसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस एविएशन मिनिस्ट्री के साथ इस बारे में बातचीत कर रही है। अभी भारतीय एयर स्पेस में वाईफाई बंद करना होता है। सुरक्षा के आधार पर इंटरनेट पर प्रतिबंधन लगाया गया है। फ्लाइट में सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेट का इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। गुप्ता ने कहा कि जेट एयरवेज और स्पाइसजेट जैसी भारतीय विमान 2018 तक वाईफाई बोइंग 737 मैक्स विमान होंगे। बता दें कि दुनिया भर में लगभग 70 एयरलाइंस यात्रियों को इंटरनेट इस्तेमाल की इजाजत देती है। इसके अंतर्गत ईमेल, सोशल मीडिया, फिल्में डाउनलोड करने और कॉल करने की इजाजत होती है। इसमें एयर फ्रांस, लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, अमीरात और इतिहाद जैसे विमान शामिल है। ये विमान भारत भी आते हैं। भारत में जेट एयरवेज और विस्तारा जैसी एयरलाइंस में बिना इंटरनेट के इस्तेमाल के कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है, जिसे यात्री इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं। स्पाइसजेट जून अंत तक सुविधा प्रदान करेगा।